गुड मॉर्निंग बच्चों, जीडीबीएम वीवीएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेसन थर्ड के दिल्ली के सुल्तान का चैप्टर से आगे का भाग करेंगे और इसमें पॉइंट है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर देखो क्या पॉइंट करेंगे आज हम लोग। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर, नजदीक से एक नजर क्या पॉइंट है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, यानी खलजी वंश और तुगलक वंश के अंतर्गत आने वाले प्रशासन और समेकन, यानी उसमें क्या क्या समाहित थे, ये नजदीक से एक नजर हम उसका आज इसमें पॉइंट टू पॉइंट वर्णन करेंगे। क्या क्या था कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के, पॉइंट नोट करते जाना आप लोग, विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। जो यह वंश था इसके अंतर्गत जो प्रशासन था उसमें कैसे व्यक्तियों की जरूरत थी, कैसे विश्वसनीय और सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा है कि गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। क्या थे, जो गुलाम थे, जो गुलाम थे उनको अपना सूबेदार नियुक्त करते थे। गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे, नियुक्त करना, सूबेदार गुलामों को ही सूबेदार क्यों नियुक्त करते थे, क्योंकि सामंत और जो जमींदार थे उनके स्थान पर उनको ज्यादा पसंद करते थे। किनको, गुलामों को ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि गुलाम क्या होते थे, उनके वफादार होते थे। और जो गुलाम थे इनको फारसी में क्या कहा जाता था, गुलाम जो थे, गुलाम को फारसी में क्या कहते थे, बदंगा, बदंगा कहा जाता था। ओके, गुलाम का फारसी शब्द क्या होगा, बदंगा। तो इन गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था, बदंगा कहा जाता था। और इनको, गुलामों को क्यों खरीदा जाता था, क्योंकि सैनिक सेवा के लिए, किस लिए, सैनिक सेवा कर, सैनिक सेवा के लिए,
खरीदा जाता था। और क्या था, इन गुलामों के साथ में इन्हें राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था इनको किसके लिए, राजनीतिक पदों के लिए। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप कि राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से के लिए बड़ी सावधानी से किया जाता था। और क्या था, जो मालिक होते थे वो इन पर निर्भर होते थे, क्योंकि सुल्तान भी इसमें क्या करते थे, आंख बंद करके भरोसा करते थे किन पे, इन गुलामों पे, या जो बदंगा कहा जाता था फारसी भाषा में, इन पे आंख बंद के विश्वास करते थे और इन पर निर्भर रहते थे। क्या था, जो सुल्तान भी विश्वास करके इन पर निर्भर रहते थे। ओके, देखो खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर से हम देखें तो विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की इनको जरूरत थी। और जो विश्वसनीय थे वो कौन थे, इनके जो गुलाम थे, और गुलामों को क्या नियुक्त करते थे, सूबेदार नियुक्त करते थे। और गुलाम था उसको फारसी भाषा में क्या कहा जाता था, बदंगा कहा जाता था। सैनिक सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था, किनको, लोगों को खरीदा जाता था, और वो क्या कहलाते थे, गुलाम कहलाते थे। राजनीतिक जो पद थे उन पर काम करने के लिए बड़ी संख्या में इनको खरीदा जाता था और सावधानी से इनको प्रशिक्षित किया जाता था, यानी प्रशिक्षण दिया जाता था कार्य करने का। सुल्तान भी विश्वास करते थे, इन पर निर्भर रहते थे, जो गुलाम थे इन पर जो सुल्तान थे वो निर्भर रहते थे। और क्या था कि खलजी और जो तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोग भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे और ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। किनको दिए जाते थे, गुलामों को क्या क्या किया जाता था, ऊंचे पद दिए जाते थे। कौन कौन से, एक तो सेनापति का, सेनापति और दूसरा सूबेदार, किसका दिया जाता था, सूबेदार। ये ऊंचे पद इन गुलामों को दिए जाते थे। देखो इसमें एक शब्द आ गया है इक्ता या इक्तदार, इक्ता। इक्ता इक्ता क्या होते थे कि पहले वाले सुल्तानों को ही तरह खलजी और जो तुगलक शासक थे उन्होंने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। क्या किया, अलग अलग जो भिन्न भिन्न जो आकार के जो
इलाके थे उन पे क्या किया, सूबेदार को नियुक्त किया, और ये जो इलाके थे वो क्या कहलाते थे, इकता कहलाते थे। और जो इन इकता को संभालते थे उनको क्या कहा जाता था, इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। देखो तुगलक शासकों ने क्या लिखोगे इसका, तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। क्या किया, तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, और ये जो इलाके थे क्या कहलाए, इकता कहलाए। ठीक है, एक शब्द आता है इक्तदार, इक्तदार या मुक्ति। ये कौन थे, इक्तदार या मुक्ति, ये कौन थे, इन्हें संभालने वाले अधिकारी कौन थे, संभालने वाले अधिकारी इकतदार या मुक्ति कहे जाते थे। इकता कौन थे, तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के जो इलाके थे उन पर सूबेदार नियुक्त किया था, और ये लोग इन इलाकों में जो इलाके थे जिन पे सूबेदार थे उन इलाकों को क्या कहते थे, इकता कहते थे। और जो इकता थे इनको संभालने वाले जो अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे, इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। देखो एक पॉइंट है कि जो दिल्ली सुल्तान थे वो शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए थे। ठीक है, तो उन्होंने भूमि के जो स्वामी थे, जो सामंत थे या अमीर थे या जो जमींदार थे उनको भी अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल में जो भू राजस्व था उसको निर्धारित किया गया था, और वसूले के जो कार्य
थे उनको क्या किया गया था, नियंत्रण किया गया था। जो सामंत थे उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी था, उसने क्या किया था, भू राजस्व निर्धारित किया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो सामंत थे उनको कर लेने के लिए क्या कर दिया, उनके जो अधिकार थे उनको छीन लिए थे, और क्या किया, उनको भी स्वयं को क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। इसके अलावा जो सुल्तान था उसने क्या किया, वहाँ की जो जमीन थी उसकी पेमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से अपने स्वयं के पास वो रखने लगा था। तो इसलिए जो नौकरी करने लगे, जो राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। अब देखो उस समय कब, अलाउद्दीन खिलजी के समय तीन तरह के कर थे। कर कितने प्रकार के थे? कर तीन प्रकार के थे। पहला क्या कर था, कृषि पर, जिसे क्या कहा जाता था, कृषि पर कर था जिसे खराज कहा जाता था। कृषि पर कर था जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ये जो कृषि पर खराज कर लिया जाता था, ये क्या होता था, किसान की उपज पर, किसकी, किसान के पास जितनी उपज होती थी, जितनी खेती उसके पास आती थी, उसका कितना प्रतिशत, लगभग 50% किसान की उपज का लगभग 50% कितना, 50% होता था। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, किसान की उपज का, यानी किसान के पास कितना अनाज आया है, कितनी उपज हुई है, उसका कितना लिया जाता था, 50% लिया जाता था। दूसरा क्या था, दूसरा कर किस पे लिया जाता था, मवेशियों पर, मवेशियों पर। ये मवेशी क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं मवेशी, मवेशियों पर, पशुपालक पर, यानी जो पशु पालते थे उन पशुओं पर, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, ये क्या होते हैं, मवेशी। तो इन मवेशियों पर लिया जाता था कि किसके पास कितना पशु है, उस अनुसार इनसे कर लिया जाता था। तीसरा कर था घरों पर, किस पर, घरों पर। घरों पर क्यों लिया जाता था कि किसके पास कितना बड़ा घर है, कच्चा है या पक्का है, इस हिसाब से उन पे कर लिया जाता था। तो कर कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर लिया जाता था, और तीसरा घरों पर ये लिया जाता था। देखो बच्चों, इसमें एक पॉइंट है आपके, आपके बुक्स निकालो, 42 नंबर पेज पे, थर्ड लेसन, दिल्ली के सुल्तान। इसमें एक पॉइंट है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो इस पॉइंट को आप काट दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, जो मेन मेन मुख्य मुख्य चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और अब आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ, और ये आप लोग अपनी होमवर्क की कॉपी में कीजिए। क्वेश्चन नंबर एक है, दिल्ली
में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली पर पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली थी उसमें सबसे पहले किसने राजधानी बनाई थी? तो इसका आंसर होगा तोमर। राजपूत चौहान राजाओं ने सबसे पहले दिल्ली में क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे कि सबसे पहले तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने। दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दिल्ली के सुल्तान के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में जो प्रशासन था, जो कार्य किया जाता था, उसकी भाषा क्या थी? मैंने ये आप लोगों को नोट भी करवाया था, कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? किसके शासन के दौरान जो सल्तनत थी उसका सबसे अधिक विस्तार हुआ था? किसके समय हुआ था? मोहम्मद तुगलक के समय। मोहम्मद तुगलक किसके समय हुआ था? मोहम्मद तुगलक के समय। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आ गए आप लोगों के कि दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने। फिर है दिल्ली के सुल्तान के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। अब आगे देखो, क्वेश्चन 4 है। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? किस देश से आया था? इसका आंसर लिखो मोरक्को। मोरक्को
और ये मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। इबन बतूता किस देश से भारत में आया था? मोरक्को, जो कहाँ पे? अफ्रीका से भारत में आया था। अब आगे देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? आंसर होगा, न्याय चक्र सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। क्या था? कि जो किसान थे उनसे जो एकत्रित यानी जो इकट्ठा किया जाता था क्या? राजस्व यानी कर। राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखना क्यों जरूरी था? क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी और बाहरी सीमा से क्या समझते हैं आप लोग? मैंने ये आपको पहले भी करवाया था। क्या था उसमें? जो गैरिसन शहर थे उनके बारे में आप लोगों को बताया था, है ना? तो इसका आंसर होगा कि भीतरी सीमा से अभिप्राय है क्या है? गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की जो आवश्यकता थी उनकी पूर्ति होती थी। यानी भीतरी सीमा से क्या अभिप्राय है? कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से
होती थी। की पूर्ति होती थी। भीतरी सीमा से क्या अभिप्राय है कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति थी वो होती थी। और अब देखो दूसरा क्या था, बाहरी बाहरी सीमा, इससे क्या होता था, जो गैरिसन शहर थे शहरों की सुदूरवर्ती, कौन सी सुदूरवर्ती, यानी जो दूर क्षेत्र थे गैरिसन से उन क्षेत्रों की यानी जो बाहरी सीमा थी वो शहरों से बहुत दूर होते थे उन्हें बाहरी सीमा कहा जाता था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहना उनके पीछे क्या कारण हो सकते थे। ये क्वेश्चन आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये जो कटाया गया है मुक्ति उससे आया है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर लिखिए कि दिल्ली जो सल्तनत थी उस पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय कर दिया। दूसरा क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के जो पुराने शहर थे नहीं रहा
भेज दिया। ठीक है, क्या हुआ इसका प्रभाव कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के जो निवासी थे उनको राजधानी दौलताबाद में भेज दिया। ठीक है बच्चों, ये लेसन हमारा दिल्ली के सुल्तान लेसन नंबर 3 आज कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर सब मैंने आपको करवा दिए हैं और ये सारा कार्य आपके नोटबुक होमवर्क के रूप में होना चाहिए। ठीक है।